नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा यानी हिंदी महत्व को दर्शाने के लिए हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा और विश्व में इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रचार प्रसार के लिए भी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में चुना गया है। तो चलिए जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस है आज। राजभाषा के तौर पर हिंदी की है पहचान। हिंदी प्रेमियों के लिए ये दिन है महत्वपूर्ण। विश्व भर में कई कार्यक्रमों का होता है आयोजन। अपनी भाषा हिंदी के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है। हिंदी ने सभी भारतवासियों को एक सूत्र में बांधकर हमेशा अनेकता में एकता की भावना को साबित किया है। तो ऐसे में 10 जनवरी का दिन देश में हिंदी प्रेमियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हिंदी को लेकर दुनिया भर के तमाम देशों में बसे भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, हर साल विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है। विश्व में हिंदी का विकास करने और एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था और इसमें 30 देशों के कुल 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसी कारण 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद से दुनिया के कई हिस्सों में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। हालांकि साल 2006 में 10 जनवरी के दिन पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। भारत के तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने ही इस दिन यानी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उसके बाद हर साल दुनिया भर में हिंदी भाषा को एक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी 1977 में बोली गई थी। तब विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया था। उस वक्त केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार थी। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं और कई कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में हिंदी @UN परियोजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत हिंदी में संदेशों का आदान प्रदान किया गया था, जो अब भी जारी है। 2006 के बाद से हर साल हिंदी के इस्तेमाल और इसके दायरे को बढ़ाने के लिए भारत का विदेश मंत्रालय 10 जनवरी को कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। इस खास दिन को दर्शाने के लिए कुछ मौकों पर देश के पोस्टल डिपार्टमेंट की ओर से स्पेशल डाक टिकट जारी करके भी मनाया जाता है। स्कूल और छात्र इस दिन को अपने स्कूलों यहां तक कि इलाकों में बहस चर्चा, हिंदी कविता पाठ, साहित्य कक्षाएं, नाटक क्विज और बहुत कुछ आयोजित करके मनाते हैं। हिंदी क्लब समेत कई संगठन भी वाद विवाद और चर्चा करते हैं। इस तरह की एक्टिविटी करके आप भी इस दिन को मना सकते हैं। विश्व हिंदी दिवस का मकसद लोगों के बीच भारतीय भाषा के बारे में जागरूकता पैदा करना और यहाँ की भाषा को दुनिया भर में एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में बढ़ावा दिलाना है। इसके माध्यम से भारतीय भाषा के इस्तेमाल के बारे में दुनिया के लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और हिंदी भाषा के इस्तेमाल प्रचार और प्रसार से जुड़े पहलुओं के बारे में बताना है, साथ ही इसके दायरे को बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।